दोस्तों, तो मैं अभी शिमला पहुंचने वाला हूं और शिमला आते भाई केवल कुहासा ही कुहासा। तो मेरा स्वागत हो रहा है कुहासों से। और टेम्परेचर तो मैंने अभी चेक नहीं करा, लेकिन मैं टेम्परेचर भी चेक करता हूं कि टेम्परेचर कितना है और मैं बताता हूं। और मैं मुश्किल से शिमला से 10 किलोमीटर के आसपास और रह गया है शिमला पहुँचने में। तो शिमला पहुँच के फिर मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया स्कैंडल पॉइंट और ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फॉग है, फॉग की वजह से ऐसा दृश्य। और मैं अभी शिमला के स्कैंडल पॉइंट पे हूँ और आगे चलता हूँ। स्कैंडल पॉइंट से आगे एक चर्च है, कैथोलिक चर्च, चल के वहाँ विजिट करता हूँ। और दो मैं जब से आया था सर, यहाँ पे बहुत सारा फॉग है। ये गेटी थिएटर है, इस थिएटर में बहुत सारे शो वगैरह जो है, प्राचीन शो या फिर कोई ड्रामेटिक शो जो है होता रहता है। तो अगर यहाँ शो चलेगा तो फिर आप विजिट कर सकते हैं, नहीं चलेगा तो नहीं हो सकता भाई। और ये हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, 1981 में गुजर गए थे। और ये हिमाचल निर्माता, ये भाई हिमाचल के निर्माता यानी कि हिमाचल को बनाने वाले यही थे अंग्रेजों के शासन काल में। और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी स्टैचू लगी हुई है। और ये राभा चर्च, और यहाँ पे मैडम इंदिरा गांधी जी का भी स्टैचू है, जो 1917 में पैदा हुई थी, 1984 में इनका जो है देहांत हो गया था। और मुझे चलना है अभी जाखू महावीर जी के मंदिर की तरफ, तो मैं चर्च को विजिट करते हुए आगे की तरफ चलता हूँ। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी हैं, यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ऐसे दिखेगा भाई। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी है, घोड़ा भी है, अगर घोड़े से अगर थोड़ा बहुत आप लोग बच्चे हैं तो उनको राइडिंग वगैरह के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये रहा भाई कैथोलिक चर्च, क्राइस्ट चर्च शिमला। ये चर्च का अंदर का नज़ारा दृश्य है भाई, उधर कुर्सियाँ लगी हैं, उधर क्राइस्ट चर्च का जो है सिंबल। मैं अभी आ गया हूँ, देखिएगा ये रहा जाखू मंदिर का मेन एंट्रेंस। और यहाँ से हमें चलना है जाखू मंदिर, जाखू मंदिर के लिए चढ़ाई करनी है अभी, तो चलते हैं जाखू मंदिर पे। और वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ पूरा व्यूज, और पूरा कुहासा ही कुहासा है भाई। जाखू के मंदिर, श्री हनुमान मंदिर जाखू के शिमला के मेन गेट पे हूँ। और ये हनुमान जी का भाई स्टैचू है, पूरी फोटो भी एक साथ नहीं आएगी, पैर से लेकर सिर तक इतनी ऊंची स्टैचू है भाई। ये स्टैचू जो है श्री हनुमान जी की स्टैचू 108 फीट ऊंची मूर्ति है, जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रेम कुमार धूमिल जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके कर कमलों द्वारा इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था 4 नवंबर 2010 को। और भाई 108 फीट ऊंची, काफ़ी हाइट है भाई। और ये आगे मंदिर, तो चलते हैं अब मंदिर में। और कार्यालय से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भाई प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, प्रसाद लेने के बाद से आप दर्शन करने के लिए। ये रहा मेन गेट, और ये जाखू मंदिर का इतिहास है। मंदिर का इतिहास है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो इस जाखू पर्वत पे यक्ष जो था ऋषि के वेश में यहाँ पे तपस्या कर रहा था, तो उस समय वो अपना संजीवनी की पहचान कराने के लिए यहाँ रुके हुए थे। तो यहाँ पे यक्ष और याक के नाम से यहाँ पे इसका नाम पड़ गया जाखू। और जाखू पहले बहुत बड़ा था, लेकिन उनके वेग से, हनुमान जी के वेग से आधा हो गया, तो अभी इतना ही है। और ये राम मंदिर का मेन गेट, और यहाँ पे भंडारा की व्यवस्था है। यहाँ पे मैं भंडारा करके भंडारा खा के फिर
नीचे माल रोड की तरफ चलता हूँ। तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद से अभी उनके ठीक सामने ही बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो बाबा बालकनाथ जी का भी दर्शन करते हैं, दर्शन के लिए आगे चलते हैं। ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर का अंदर का दृश्य है। इधर बहुत सारा बुद्ध भगवान जी की मूर्ति पड़ा है, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर फोटो बना खींचूँ या वीडियो बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। ये पूरा फॉग चल रहा है अभी। ये हमारे हिमाचल का सफाई का गाड़ी है और यहाँ चर पे दर्शन करने बैठ के और प्रार्थना करने। बस तो मैं चर्च के अंदर गया हुआ था, लगभग आधे घंटे बैठने के बाद से अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और अंदर एक लेडी थी, बता रही थी कि चर्च 200 साल पुराना है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, अंग्रेज जब यहाँ राज मतलब रूल करते थे तब का ये बना हुआ है और अभी तक ये इस्टेब्लिश है। और यहाँ पे अभी भी प्रेयर वगैरह होता है, 2:15 से शाम को 5:30 तक होता है और सुबह मॉर्निंग में होता है, फिर बंद हो रहता है बीच में। तो मैं अभी मॉल रोड की तरफ निकल गया हूँ और मैं चल रहा हूँ मॉल रोड। और यही है इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर। हाँ जी भाई, अभी मैं अभी आ गया हूँ मॉल रोड और ये मॉल रोड की जो है शॉप्स हैं, ये मॉल रोड की शॉप्स हैं। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं मॉल रोड में, लेकिन शिमला विजिट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। शिमला में इसमें मौसम काफ़ी कूल है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए। बहुत कम समय में आप अच्छे से घूम सकते हैं क्योंकि मॉल रोड, चर्च, कैसल, जाकू टेम्पल, रोपवे वगैरह सब बहुत पास पास में ही है। तो बहुत इजीली आप एक बार में एक जगह, अगर आप चले गए स्कैंडल पॉइंट चले गए तो वहाँ से आप सारी चीज़ें बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं, बहुत कम समय में पूरा आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जगह है। और ये सोलन है और काफ़ी बड़ा सिटी है सोलन ये, और मैं अभी सोलन में हूँ। और सोलन में घूमने के लिए काफ़ी दो चार मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर जगह है, जैसे मोहन हेरिटेज पार्क है और यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, मतलब काफ़ी सुंदर जगह। लेकिन है मोहन हेरिटेज पार्क और ये पड़ता है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर, सोलन से 18 किलोमीटर है और ये आपका शिमला से पड़ जाएगा लगभग 25 किलोमीटर दूर। और काफ़ी सुंदर जगह है। और मैं अभी निकल के आ गया हूँ सोलन और सोलन से 70 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से चंडीगढ़ है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। यही मैं कह रहा था कि रास्ते में बहुत ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर हैं जहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। और ये श्री पंच परमेश्वर मंदिर है भाई। लैंडस्लाइड के कारण गाड़ी की हालत देखो भाई, क्या गाड़ी की हालत हो रखी है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ हालत तो ये रखी है कि एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ियाँ रुक जा रही हैं, जब तक एक गाड़ी पास नहीं हो रही तब तक दूसरी गाड़ी नहीं जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या माहौल रहता है। भाई मैं अभी आ गया हूँ प्राचीन शिव जी के मंदिर में और ये कुमारहाटी से आता है रोड और ये जाता है चंडीगढ़ की तरफ और यहीं बीच में है प्राचीन शिव मंदिर। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये है प्राचीन शिव मंदिर। ये तो भाई लोग, ये रोड की हालत है भाई, बिल्कुल कल देखा था मैंने ये पूरा जो है लैंडस्लाइड वाला, ये हो गया, ये तो पूरा रोड ही खत्म हो गया। अब तो ये बनने में हमको लग रहा है 4-5 दिन लग जाएंगे, टाइम लग जाएगा पूरा रोड बनाने में। क्या हो गया, आगे है? आगे है। हाँ जी भाई लोग, तो ये अभी पूरा रोड तो बह गया है, अभी लैंडस्लाइड होता ही जा रहा है, लेकिन अभी ये पूरा रोड बनने में 4-5 दिन से ऊपर ही लग जाएगा। भाई इधर जो भी आ रहा है उसको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, और आगे पीछे टनल है 500 मीटर उधर से घूम के जाना पड़ेगा। भाई पुल टूटने के कारण, रोड पूरा टूटने के कारण अभी इस टनल से जाना पड़ रहा है, जो छोटी लाइन की ट्रेन जाती है टॉय ट्रेन वाली, उसी टनल से मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, तब मैं आगे चंडीगढ़ जाऊँगा।
तो भाई टनल क्रॉस करते हैं, पूरा अंधेरा हो रखा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं देगा, तो अंदर चल। ये फुल एडवेंचरस है, ये काफ़ी मस्त टनल बना रखा है इन्होंने, पूरी पानी लग रखी है इसमें, और इसको हम टनल को क्रॉस कर रहे हैं पैदल, क्योंकि भाई बीच में लाइन है और ट्रेन अभी बंद हो रखी है, तो इस वजह से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है टनल क्रॉस करने में। लेकिन टनल है मेरे ख्याल से एक किलोमीटर से कम ही है, आधा किलोमीटर समथिंग हो गई, तो चलते हैं भाई क्रॉस करते हैं इसको। मज़े आ रहे हैं भाई। ये टनल क्रॉस करके मैं आ गया कोठी स्टेशन, और ये टॉय ट्रेन वाली छोटी वाली ट्रेन का लाइन है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कोठी का, कोठी स्टेशन का जो है ये बोर्ड है। समुद्र सुल चाहे इसकी 1098 मीटर है, 3604 फीट है पे। अभी आपने NH5 जो शिमला से चंडीगढ़ जाती है उसका आपने रोड का देखा, पूरा रोड पूरी तरीके से बह गया है, वहाँ से पैदल भी कोई नहीं जा सकता है, इतनी बुरी हालत है, ना ही उस पर कोई जानवर भी जा सकता है, पूरा उस पर लैंडस्लाइड धीरे धीरे होता ही जा रहा है जी भाई। अब हिमाचल प्रदेश को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके अभी मैं हरियाणा में इंटर कर रहा हूँ। ये हरियाणा का मैं इंटर कर गया, अब मैं हरियाणा में ट्रेवल कर रहा हूँ, और यहाँ से चंडीगढ़ मेरे ख्याल से 25-26 किलोमीटर और दूर है, तो चलता हूँ। यहाँ पूरा लैंड स्लाइड हो रखा है भाई, कहीं भी सही नहीं है, सारा रोड पूरी तरीके से ख़राब हो रखा है, तो चलते हैं चंडीगढ़।